हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन वीडियो में हम फाइल सिस्टम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी मेजर फंक्शनैलिटीज हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइल सिस्टम। मतलब हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है फाइल्स को, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है उसके अंदर हमें एक मॉड्यूल मिलता है फाइल सिस्टम, जो कि सारी की सारी फाइल्स को क्या करता है, मैनेज करता है। अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज में NTFS फाइल सिस्टम है। जैसे पहले डॉस था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फैट फाइल सिस्टम था। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स फाइल सिस्टम है। लिनक्स की बात करें तो एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है। आज के टाइम पे हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो उसके लिए ZFS फाइल सिस्टम्स है, जेटाबाइट फाइल सिस्टम। मतलब अगर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में, कर्नल में आपको एक जो है वो मॉड्यूल मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज फाइल सिस्टम। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कवर हो रहा है कि वेदर अ फाइल सिस्टम इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो फाइल सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, तो ये करता क्या है, ये करता है फाइल्स को मैनेज। अब मैनेज का यहां पे मतलब क्या है, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड एंड हाउ द डेटा विल बी फेच। वही जैसे डेटाबेस में हम बात करते हैं ना, DBMS। DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो मैनेज करता है डेटा को। यहां पे अगर हम बात करें, फाइल सिस्टम क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है डेटा को, यूजर के डेटा को इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। मतलब हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड, और अगर डेटा को स्टोर किया तो उसको फेच कैसे करना है। तो देखो कहानी स्टार्ट कहां से होती है। हम लोग अगर मतलब लाइक यूजर का एग्जांपल दें, तो हम लोग देखो अपना डेटा कैसे मैनेज करते हैं, हम अपना डेटा मैनेज करते हैं फाइल्स की फॉर्म में। देखो आप सिंपल से एग्जांपल लो, पेन ड्राइव से कोई डेटा कॉपी करते हैं फाइल की फॉर्म में, डाउनलोड करते हैं फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई मेल भेज रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है कोई फाइल अटैचमेंट हमने की है, व्हाट्सएप पे हम कोई फाइल सेंड करते हैं। तो चाहे मैं PPT की बात करूं, चाहे मैं एक्सेल फाइल की बात करूं, चाहे मैं PDF, चाहे मैं डॉक फाइल, कोई भी साइज कोई भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो MP3, MP4, PNG, JPG। मतलब हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे किससे डील कर रहे हैं, फाइल से डील कर रहे हैं। तो एक्चुअल में उन फाइल्स को कैसे मैनेज करते हैं हम अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर्स में, अपने मोबाइल्स में भी अगर हम बात करें, तो उन फाइल्स को कौन मैनेज करता है, उन फाइल्स को बैकएंड पे कौन स्टोर कर रहा है। बैकएंड मतलब जो परमानेंट स्टोरेज है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेटा हमारा परमानेंट स्टोर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने डेटा अभी लाइक मैंने कोई फाइल डाउनलोड की, मैंने कोई मूवी डाउनलोड की और वो मैंने लेट्स सपोज जो है वो वोलाटाइल मेमोरी में रख दी, मतलब RAM में रख दी या कैश में रख दी। तो ऑब्वियसली जब हम बंद करेंगे सिस्टम को, तो नेक्स्ट डे दोबारा ऑन किया तो वो मेरे को डेटा मिलेगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा परमानेंट स्टोर हो। तो परमानेंट स्टोरेज हमारे पास कहां से अवेलेबल होता है, हार्ड डिस्क हमको प्रोवाइड करते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। ऑल्दो अब SSDs भी काफी पॉपुलर होती जा रही है, सॉलिड स्टेट्स, लेकिन अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी में हम यूज कर रहे हैं अभी हार्ड डिस्क को, क्योंकि उनका साइज भी ज्यादा है। तो साइज ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली टेराबाइट्स में हमारे पास आजकल, अगर हम 20-25,000 का लैपटॉप भी अगर परचेज कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको मिनिमम 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव मिल रही है। तो देखो परमानेंट स्टोरेज में कौन डेटा को परमानेंटली स्टोर करवा रहा है, फाइल सिस्टम। तो कहानी जो है लाइक यूजर ने क्या किया, यूजर ने कोई ना कोई फाइल जो है वो क्रिएट की। मतलब चाहे मैंने कोई डॉक फाइल बनाई, चाहे मैंने कोई एक्सेल फाइल बनाई, PPT बनाई, MP3, MP4, चाहे मैंने कोई फाइल डाउनलोड की, चाहे मैंने कोई फाइल कॉपी की, कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं किस फॉर्म में मैनेज कर रहा हूं डेटा को, मैं फाइल की फॉर्म में मैनेज कर रहा हूं। मतलब यूजर अपने डेटा को कैसे देख रहा है, यूजर अपने डेटा को देख रहा है फाइल की फॉर्म में। तो देखो आप अपने लैपटॉप में C ड्राइव, D ड्राइव में है क्या, फाइल्स ही तो है। और वो फाइल्स कहाँ में है, वो फाइल्स जो है वो फोल्डर्स के अंदर, आपको किसी ना किसी फोल्डर के अंदर जो है वो फाइल मिल जाएगी। तो आप कह सकते हो कि फोल्डर क्या है, रिलेटेड फाइल्स की कलेक्शन। जैसे यूनिक्स में हम बोल देते हैं, लिनक्स में हम बोल देते हैं डायरेक्टरी। तो चाहे विंडोज में हम फोल्डर बोल रहे हैं, लिनक्स में हम उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में भी हम क्या करते हैं, रिलेटेड फाइल्स को हम कलेक्ट करके रख लेते हैं। अब जितने भी फोल्डर्स हैं, उन सारे फोल्डर्स को कौन मैनेज कर रहा है, फाइल सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो चाहे हम विंडोज की बात करें, लिनक्स, यूनिक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम जो है वो डेटा को मैनेज कर रहा है। तो देखो यूजर को कहां तक दिख रहा है, यूजर का व्यू यहां तक है, मतलब यूजर को अपनी फाइल दिख रही है, फोल्डर्स दिख रहे हैं, लेकिन फोल्डर्स के बाद की जो कहानी है वो यूजर को नहीं दिख रही। तो वहां पे जो है वो फाइल सिस्टम वर्क करता है। अब हमें करवाना क्या है, एक्चुअल में हम डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर कर रहे हैं अपना डिस्क के अंदर, लेकिन डिस्क का आर्किटेक्चर कुछ और है। डिस्क में हमारे पास होता क्या है, प्लेटर्स हैं, सरफेस है, उन सरफेसेस के ऊपर ट्रैक्स है, ट्रैक्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। मतलब लेट्स से अगर ये मेरा एक ट्रैक है तो इस ट्रैक के ऊपर हमारे पास क्या है, सेक्टर। ये ऑलरेडी मैंने जो डिस्क का आर्किटेक्चर है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, अगर आपने वो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको जो है सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो ये हमारे पास सेक्टर्स हैं, तो डेटा जो है वो एक्चुअल में पड़ा है इन सेक्टर्स के ऊपर। मतलब जो डेटा यूजर क्रिएट कर रहा है वो डेटा हम इन सेक्टर्स के ऊपर डालना चाहते हैं, तो फाइल सिस्टम वो डेटा इन सेक्टर्स के ऊपर डालेगा। तो अगर हम लेट्स सपोज मैंने एक फाइल डाउनलोड की, लेट्स से मैंने मूवी डाउनलोड की 1 GB की, तो ऐसा कोई जरूर थोड़ी ना कि मेरे डिस्क में 1 GB स्पेस पड़ा है, डायरेक्ट आपकी फाइल उस 1 GB में जाके स्टोर हो जाएगी। नहीं, होता क्या है जब फाइल सिस्टम के पास ये सारी फाइल्स आती हैं वो करता क्या है, इन फाइल्स को लॉजिकली डिवाइड कर देता है, किसमें, ब्लॉक्स में। मतलब लेट्स से अगर हमारे पास 1 GB की फाइल है तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, और फिर उन ब्लॉक्स को हमने किया क्या, उन ब्लॉक्स को हमने मैप कर दिया, उन ब्लॉक्स को हमने मैप कर दिया किसके साथ, डिस्क के साथ। मतलब डिस्क के अंदर जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के साथ हमने मैप कर दिया। तो मैप करने का मतलब क्या है ना, देखो कोई ऐसे झूठ थोड़ी ना कि लेट्स से कि मैंने बोला कि हाँ ब्लॉक नंबर 1 तू सेक्टर नंबर 1 में, ब्लॉक नंबर 2 तू सेक्टर नंबर 2 में, ब्लॉक नंबर 3 तू सेक्टर नंबर 3 में। कॉन्टिग्यूस हमेशा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि आप ऐसा कर भी लो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑलरेडी डेटा उसमें पड़ा है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली मैप कर रहे हैं कि भैया ये ब्लॉक इस सेक्टर में चला जाए, ये ब्लॉक इस सेक्टर में चला जाए। जैसे सिंपल से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, लेट्स से मेरे पास 10 रूम है और मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। अब लेट्स से 10 रूम में से हो सकता है कुछ रूम ऑलरेडी बुक्ड हो, लेट्स से ये रूम ऑलरेडी बुक है, ये रूम ऑलरेडी बुक है। अब ये लेट्स से ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर जो है वो 5 स्टूडेंट हैं, तो मैंने क्या बोला कि भैया सेक्शन 1 में जो मेरा स्टूडेंट 1 है तू ऐसे कर, तू रूम नंबर 1 में चला जा। जो स्टूडेंट 2 है उसको बोल दिया तू रूम नंबर 3 में चला जा, 4 में चला जा। रोल नंबर 3 को मैंने बोल दिया कि तू रूम नंबर 5 में चला जा। रोल नंबर 4 को बोल दिया कि तू रूम नंबर 9 में चला जा। रोल नंबर 5 को बोल दिया कि तू रूम नंबर 10 में चला जा। मतलब मैंने मैप कर दिया। जैसे ये मैंने क्या किया, सेक्शन जो है, सेक्शन के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने क्या किया लॉजिकली डिवाइड करके मैप कर दिया। किसके साथ मैप कर दिया हमने कि भैया तू इस रूम में चला जा। तू अगर मेरे पास 5 रूम ऑलरेडी अवेलेबल है कॉन्टिग्यूस, तो मैं उनको कॉन्टिन्यूसली भेजूंगा कि तू इस 1 में, तू 2 में, 3 में, 4 में। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिस्क में बहुत सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी पड़ा है। तो ऑब्वियसली अब हम कर क्या रहे हैं, ये मैप कर रहे हैं। तो फाइल सिस्टम का यहाँ पे मेजर रोल है। फाइल सिस्टम इस मैपिंग को स्टोर करके रखता है, इस मैपिंग को मैनेज करता है, ताकि जब हम डेटा को फेच करें, लेट्स से मैंने बोला कि रोल नंबर 1 to 5 वापस आ जाओ, मतलब मैंने पूरे सेक्शन को कॉल किया। अब जब मैं पूरे सेक्शन को कॉल कर रहा हूं, मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि रोल नंबर 1 को कहां भेजा था, रोल नंबर 2 को कहां भेजा, रोल नंबर 3 को कहां भेजा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं गलत डेटा को कॉल कर सकता हूं। तो दैट इज व्हाट कि हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड एंड हाउ द डेटा विल बी फेच। तो ये पूरी की पूरी जो मैपिंग है, मतलब ब्लॉक्स में हम डेटा को डिवाइड करते हैं, जो फाइल्स है उनको हमने डिवाइड किया लॉजिकली, फिजिकली डिवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ लॉजिकली हमने डिवाइड किया कि इतने एड्रेस से इतने एड्रेस ये ब्लॉक, इतने एड्रेस से इतने एड्रेस ये ब्लॉक, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, मैप कर दिया। मतलब उसको डाल दिया सेक्टर्स के अंदर, डिस्क के अंदर जो सेक्टर्स हैं उनमें हमने उसको डाल दिया। तो ये एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, ये एक्चुअल में काम कर रहा है आपका फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम का बहुत ही मेजर रोल है डेटा को स्टोर करवाने में और डेटा को फेच करवाने में। तो देखो हम लोग तो सिर्फ यूजर्स जो है सिर्फ अपनी फाइल्स को देखते हैं, फोल्डर्स को देखते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द सीन है, जो बिहाइंड द वर्क है, दैट इज एक्चुअली डन बाय द फाइल सिस्टम। तो अब फाइल सिस्टम में इसके अलावा जो है अगर हम बात करें फाइल्स की, तो फाइल्स का भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, फाइल्स के कुछ लाइक ऑपरेशंस हैं। हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई। तो ये सारे के सारे हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये मैंने इंट्रोडक्शन बताई है फाइल सिस्टम की कि फाइल सिस्टम होता क्या है, करता क्या है और क्यों हम यूज करते हैं अपने सिस्टम्स में। थैंक यू।